वेलकम टू टेकमेंट कंप्यूटर्स। जैसा कि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ने ये रिक्वेस्ट किया था कि मैंगो एनिमेट में हम लोग टेक्स्ट को कैसे एनिमेट करेंगे, कैसे उसे एंट्री करेंगे और कैसे उसका एग्जिट इफेक्ट डालेंगे, और टेक्स्ट को हम लोग कैसे मूव करेंगे, लाइक टेक्स्ट को हम लोग एनिमेट कैसे करेंगे, तो ये वीडियो मैं आप व्यूअर्स के लिए लेकर आया हूँ, जिसमें मैं टेक्स्ट के बारे में पूरा डिटेल्स बताने वाला हूँ। तो अभी मैंने अपना एनिमेशन सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया मैंगो एनिमेशन मेकर, और यहाँ से हम लोग न्यू प्रोजेक्ट लेंगे। तो अभी सॉफ्टवेयर अपना ओपन हो गया है, यहाँ से हम लोग राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से रिप्लेसिंग कर देता हूँ। मैं यहाँ पे कोई भी एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ, क्योंकि हम लोग को टेक्स्ट का एनिमेशन देखना है तो एक बैकग्राउंड रहेगा तो अच्छा लगेगा। अभी अपना बैकग्राउंड सेट हो गया है और अभी मैं प्ले करके देखता हूँ, कुछ भी एनिमेशन नहीं हो रहा है, सिंपली एक बैकग्राउंड रखा हुआ है। और यहाँ पे हम लोग को टेक्स्ट लाना है, तो टेक्स्ट के लिए यहाँ पे ये टेक्स्ट वाला टूल दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे और ये टेक्स्ट का आपका टेम्पलेट ओपन हो जाएगा। इसमें से आप कोई सा भी एक टेम्पलेट ले लीजिए जो भी आपको सही लगता है, जैसे मैं ये टेम्पलेट लेता हूँ। और जब आप इसको अपने स्क्रीन पे ले आओगे तो ऐसा आएगा, और इसको हम लोग एडिट कर सकते हैं सिंपली। मैं अभी यहाँ पे टेकमेंट कंप्यूटर्स लिख देता हूँ और ये आपका टेकमेंट कंप्यूटर्स टेक्स्ट आपका लिखा गया है। और यहाँ से आप टी का जो अप एरो का साइन दिया हुआ है और एक टी के बाद डाउन एरो का साइन दिया हुआ है, डाउन एरो का साइन मतलब ये आपसे आपका टेक्स्ट छोटा हो जाएगा ये आप दबाओगे तो, और ये आप क्लिक करोगे तो ये आपका टेक्स्ट इससे बड़ा होगा। यहाँ से आप अपने टेक्स्ट को एक लाइन में भी कर सकते हो। और उसके बाद अगर टेक्स्ट का आपको कलर चेंज करना है तो यहाँ से हम लोग चेंज करेंगे, ये आपका टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया। और यहाँ से बोल्ड और इटैलिक जो भी आपका करना है, अंडरलाइन करना है, तो हम लोग कर सकते हैं। तो ये अभी आपका टेक्स्ट लिखा गया, अभी हम लोग देखेंगे। ये देखिए, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसमें दो इफेक्ट आ गए हैं, एक इंट्री इफेक्ट आया है और एक एग्जिट इफेक्ट आया है। क्या हम लोग टेक्स्ट वाले टाइमलाइन पे जाते हैं, यहाँ पे ये आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है टेकमेंट कंप्यूटर्स। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो इंट्री इफेक्ट दिया हुआ है डार्क शेडो फेड, इसको हम लोग डबल क्लिक करेंगे और चेंज करेंगे। समझो मुझे हैंड ड्रॉन करना है तो यहाँ पर ये हैंड ड्रॉन हो जाएगा, और ये इंट्री इफेक्ट एग्जिट इफेक्ट मैं थोड़ा दूर कर देता हूँ ताकि मेरा टेक्स्ट थोड़ा देर के लिए रहे स्क्रीन पे। और उसके बाद ये एग्जिट इफेक्ट है डस्ट एग्जिट, डस्ट के साथ आपका ये एग्जिट हो जाएगा। इसको थोड़ा बड़ा करके देखते हैं, ये देखिए इस तरह से आपका एग्जिट होगा टेक्स्ट। फिर से एक बार टेक्स्ट को मैं दिखाता हूँ, ये आपका इंट्री इफेक्ट हो गया और ये आपका एग्जिट इफेक्ट हो गया। दोनों इफेक्ट आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे इफेक्ट दिया हुआ है। ये आपका एग्जिट इफेक्ट हो गया टेक्स्ट स्पाइरल एग्जिट, एक दूसरा एग्जिट में देखे देखता हूँ, ये देखिए इस तरह से एग्जिट होगा। एंट्री इफेक्ट मैं चेंज करता हूँ, ये देखिए मैंने दूसरा तरह का एंट्री इफेक्ट दे दिया, अभी देखिए कैसा टेक्स्ट आ रहा है, और ये इधर से एग्जिट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका एंट्री और एग्जिट इफेक्ट। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें एनिमेशन का ऑप्शन डालेंगे, मूविंग का ऑप्शन डालेंगे, तो यहाँ से टाइमलाइन पे आ जाते हैं। और ये जब आपका एंट्री इफेक्ट ख़त्म हो रहा है यहाँ पे, और उसके बाद समझिए मैं चाहता हूँ कि मेरा टेक्स्ट जो है यहाँ पे कर देता हूँ इसको, और ये मैं चाहता हूँ कि मेरा ये यहाँ पे जो टेक्स्ट है ना ऐसा मूव होते हुए इधर से पार हो जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर प्लस के पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मूव करूँगा। और मूव के बाद मुझे कैसे मूव कराना है अपने टेक्स्ट को, अगर स्ट्रेट वे में मूव कराना है तो मैं स्ट्रेट वे में कर देता हूँ, और अगर आपको दूसरे तरीके से मूव कराना है तो आपको दूसरे तरीके का सिलेक्ट कीजिए। यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और ये यहाँ पे कर देता हूँ, और उसके बाद मेरा टेक्स्ट किधर मूव होगा वो उसको डायरेक्शन में दे देता हूँ, इधर मेरा टेक्स्ट इधर मूव होना चाहिए, तो यहाँ से आपका ऐसा हो गया। और उसके बाद अभी मैं प्ले करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए मेरा टेक्स्ट मूव होने लगा,
इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को जहाँ चाहिए वहाँ पे आप ले जा सकते हो, एनिमेट कर सकते हो। और अगर आपको एक फिक्स करना है तो ये आपको मूविंग वाला ऑप्शन निकाल देना है। यहाँ से मैं निकाल देता हूँ इसको, डिलीट एनिमेशन। तो ये अभी आपका टेक्स्ट मूव नहीं होगा, जैसा है वहीं पे रहेगा। आपका टाइमलाइन कितना भी आगे जाए ये आपका वहीं के वहीं रहेगा। मीनवाइल अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एनिमेशन से रिलेटेड मैं हमेशा एक दो वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। और आशा है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स एंड कीप वॉचिंग।